अंसारी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज जो मेरा ये प्रथम ब्लॉग है, मैं आज पहला वीडियो बना रहा हूँ। और ये प्रथम जो वीडियो बना रहा हूँ, ये टॉपिक जो हमारा होगा वो टॉपिक रहेगा मुसलमान। और मुसलमान आज इतनी पिछड़ा हुआ क्यों है, या उसके पिछड़ने की वजह क्या है। तो मुसलमान यूँ तो कहा जाता है दुनिया के कुल आबादी का दूसरा हिस्सा है। ईसाइयों के बाद दुनिया में सबसे अधिक आबादी मुसलमानों की है, लेकिन मुसलमानों को एकजुट क्यों नहीं होने दिया जा रहा है। आखिर दुनिया के और कौमों को मुसलमानों से क्या डर है, जिसकी वजह से ये कौमें मुसलमानों को हमेशा फिरकावारियत में फंसाए हुए रहते हैं, मुसलमानों को हमेशा तोड़ने में लगे रहते हैं। तो कुछ तो ज़रूर वजह होगी, और इसकी ठोस वजह है, और इसका ठोस जो वजह है उसकी कारण ये है कि मुसलमान में एकजुटता और अन्य जो धर्म है दुनिया के तमाम धर्मों से ज़्यादा है, पाबंदियाँ ज़्यादा हैं और इतने सख्त हैं कि लोग उसकी वजह से एकजुट हो जाते हैं, और बड़े ठोस रूप से एकजुट होते हैं। और इन्हीं एकरूपता की वजह से, इनकी जो यूनिटी की वजह से अन्य कौमें जो इनसे डरती है, और इसी डर की वजह से जो अन्य कौमें हैं या अलग धर्म के जो लोग हैं, ये इसको हमेशा तोड़ने के बजाय रहते हैं, ताकि मुसलमान इस दुनिया में राज ना कर सके, मुसलमान इस दुनिया में अपने हुकूमत ना कायम कर सके। तो हम आज इसका हिस्ट्री पे आते हैं कि मुसलमानों में फिरकावारियत कैसे शुरू हुई और करने के पीछे क्या कारण रहे। तो मुसलमान में सबसे पहला फिरका जो बना वो शिया और खारजी फिरका है। और शिया और खारजी फिरका जब बना, कैसे बना? तो शिया और खारजी फिरका बनने की वजह ये थी कि जब मौला अली की जंग हुई, तो जंग के बाद ये दोनों फिरके वजूद में आ गए, जो दोनों फिरके तैयार हुए पहली सदी में। दूसरी सदी में एक और फिरका पैदा हुआ जिसको हम मुतजला फिरका कहते हैं। तीसरी सदी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक, तीसरी सदी से लेकर 12वीं सदी तक इस्लाम में कोई फिरकावारियत वाला काम नहीं हुआ, और ना ही कोई फिरका बना। लेकिन जैसे ही 13वीं शताब्दी आई या 13वीं सदी आई, तो 13वीं सदी में सऊदी अरब के अंदर रियाद में एक ग्रुप के लोगों ने मिलकर एक समूह बनाया, दो लोग ग्रुपों ने मिलकर एक समूह बनाया, जिसमें एक का नाम था आले सऊद और दूसरा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल बहाब नजदी। इन लोगों ने मिलकर फौज तैयार किया और सऊदी की हुकूमत पर अपने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद जिस इलाके का नाम पहले हिजाज हुआ करता था, जिसको लोग मुल्क सियाम कहते थे, उसका नाम बदल कर, जिसको यमन तक कहा जाता था, उस इलाके का नाम बदल कर सऊदी अरेबिया कर दिया गया। और जब इन लोगों ने उस इलाके पर कब्जा किया, तो जो अहले जमात अल सुन्ना या सुन्नत अहले सुन्नत वर्ग के जो लोग थे, ये भी पहले सुन्नत से ही जुड़े थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने जब सऊदी की हुकूमत का कब्जा कर लिया, तो उन्होंने अपने आप को अहले सुन्नत से अलग कर लिया और एक नया फिरका बनाया जिसका नाम वहाबी रखा। जब इन लोगों ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया, तो इसके बाद इन लोगों ने अपना रंग दिखाना शुरू किया, क्योंकि ये कौम जो बनाई है, जो फिरका बनाया गया था, किसी के बहकावे में बनाया गया था, और जो बहकावा देने वाले जो लोग थे, जिन्होंने इनको हथियार दी थी, जिन्होंने इसको पैसे दिए थे, वो यहूदी और ईसाई थे। और उन्होंने जैसे ही सऊदी के अंदर में अपनी हुकूमत कायम की, तो मक्का मुकरमा में बहुत सारी चीज़ों को नेस्तनाबूद किया, काबा के गिलाफ पर जो या अल्लाह या मोहम्मद लिखी गई थी उसको तोड़ा, केवल अल्लाह रह दिया, या अल्लाह या मोहम्मद तो पूरी तरह तोड़ दी गई।
और अल्लाह के केवल रहने दिया गया, मोहम्मद या भी तोड़ दिया गया। उसके बाद मक्का मुकरमा में मिलाद दरूद ये जो पहले पढ़ा जाता था 150 साल पहले तक, उसको बंद करा दिया गया। इन भक्तों ने जो भी लोग सरकार की कि इस ये जो बदबخت थे, ये जो बदबخت कौम निकली मुसलमानों से, इन्होंने मुसलमानों को ही टॉर्चर करना शुरू किया, मुसलमानों को जेल में डालना शुरू किया। जो नबी की शान में नातिया कलाम करते थे, नबी की शान में दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे, उनको पीटा जाता था, उनको जेलों में डाला जाता था और उनके साथ हर तरह का जुल्म ढाया जाता। यहाँ तक कि इन्होंने कानून तक बना दिया कि जो नातिया खारी करेगा, जो नबी की शान में दुरूद पढ़ेगा, उसको जेलों में डाला जाएगा, क्योंकि ये शिर्क है। इस तरह के कानून बनाकर इन्होंने सऊदीया के अंदर बहुत सारे इस्लाम के अंदर जो बुराइयां हैं उसको जन्म दिया। और जन्म देने के बाद जब इससे इस फिरके में ही फिर तोड़फोड़ शुरू होना हो गया, और इनकी बातों से भी कई इनके जो अनुयायी थे, इनके पैरोकार थे, मानने वाले लोग थे, जो इनसे सहमत नहीं हुए तो इनके ही ग्रुप में से आकर के बाद में भारत में हिंदुस्तान में देवबंदी बने, गैर मुकल्लिद बने। इसी से बाद में फिर एलज गैर मुकल्लिद बना, सलफ़ी बना, अहले हदीस बना, इस्लामी जमाती बना। ये सारे के सारे फिरके बहावियों से टूट करके बने, और जितने भी फिरके थे उसकी जड़ सुन्नी थी। तो सुन्नी कोई फिरका नहीं है। नबी ने जब इस्लाम को खड़ा किया अपने पांव पे, तो उसके बाद जो अहले सुन्नत व जमात जिसको माना गया, जिसको मुसलमान का सही तौर तरीका माना गया, वो सुन्नी जमात को ही माना गया। उसके बाद जितने भी कौमें बनी, जितने भी फिरके वारियत का काम किए गए, जितने भी फिरके बने, सभी में किसी ने नबी को गाली दिया, किसी ने नबी को अपने जैसा कहा, किसी ने नबी को सुबह से बदतर कहा। इस तरह करके नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन वो दरअसल मुसलमान नहीं है, ये यहूदियों के एजेंट हैं। और कहा भी जाता है कि सऊदी और यहूदी दोनों भाई भाई हैं, बाहर से कुछ दिखते हैं लेकिन अंदर से इन दोनों के बीच में लिंक है, पैसे का लिंक है, ताकत का लिंक है, और ये लिंक ही इन दोनों को जोड़ के रखता है। आज सऊदी के अंदर में नमाज, हम नमाज के बाद दुरूद नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन नाच गाना अय्याशी का काम हो सकता है, शराब पिया जा सकता है, ताश खेले जा सकते हैं, जुए के अड्डे चलाए जा सकते हैं, लेकिन जो अहले सुन्नत व जमात के जो तौर तरीके हैं उसको अगर मानिएगा तो आपको उसके मानने पर आपको जेलें हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि यहूदियों ने मुसलमानों के अंदर पैठ कैसे बनाए। तो यहूदियों में एक फिरका है जिसको हम कहते हैं दाउम फिरका, और दाउम फिरका जो होता है बिल्कुल ऊपर से आप देखोगे तो मुसलमानों के जैसे दाढ़ी रखेंगे, मुसलमानों के जैसे कपड़े पहनेंगे, टोपी रखेंगे, चेहरे पर दाढ़ियाँ रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, सारे चीज़ें मुसलमानों के जैसे ही करेंगे, लेकिन उनके जो काम होंगे, उनके जो अमाल हैं, सारे के सारे मुसलमानों की एकजुटता को तोड़ने के लिए किए जाते हैं। और इसी का इस्तेमाल कर सबसे पहले यहूदियों ने इन दौम यहूदियों का घुसपैठ मुसलमानों में कराया, इनको आलिम बनाया, आलिम बना करके मुसलमानों की कमजोरियों का पता लगाया, उसके बाद कमजोरियों को पता लगा कर उसको हवा दी, उसको बढ़ावा दिया, और अंत में मुसलमानों को फिरके में तोड़ दिया। आज इसी की वजह से मुसलमान फिरके में टूटा हुआ है, और मुसलमान को दुनिया में जुल्म का शिकार होना पड़ रहा है। इस्लामोफोबिया दुनिया में जो बढ़ाया जा रहा है,
चाहे वो हिंदू कौम हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन हो या अन्य कौमें हो, ये इस्लामोफोबिया से ग्रस्त हो गए हैं। इस्लामोफोबिया से ग्रस्त होकर इन लोगों ने मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया है, मुस्लिम देशों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। और इसके पीछे कारण ताकत का है, इसके पीछे कारण पैसे का है। बिना पैसे और बिना ताकत के दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकती है। आज हम जो जानते हैं कि दुनिया में जो दहशतगर्द संगठने हैं, जिसको ISIS कहा जाता है, अलकायदा कहा जाता है, क्या आपने कभी पता लगाने की कोशिश की कि ISIS और अलकायदा क्या वास्तविक में या वास्तव में मुसलमानों के संगठन हैं, क्या वे सुन्नियों के संगठन हैं? यदि वे बहावियों के संगठन हैं तो बहावी के मत मानिए, बहावी इसको कहिए ही नहीं, ये बहावी नहीं, ये समझ लीजिए कि यहूदियों और ईसाइयों के संगठन हैं और दौम ईसाइयों के संगठन हैं। नाम तो मुसलमानों के रखते हैं और काम सारे के सारे मुसलमानों से हटके करते हैं। अगर और ये संगठन केवल वहीं इसलिए हैं जहाँ पर तेल के भंडार हैं, सोने के भंडार हैं, गैस के भंडार हैं या अन्य जो सोने चांदी के जखीरे हैं, हीरे के जखीरे हैं। अगर दुनिया में मुसलमान के मुसलमान होना और आतंकवाद होना दोनों बराबर था तो पूरी दुनिया में मुसलमान है, हर देश में मुसलमान, तो हर देश में आतंकवादी संगठन आतंकवाद होना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी देश इंडोनेशिया है, वहाँ पर कोई आतंकवादी संगठन नहीं है। तो इस बात पर हम तर्क नहीं दे सकते हैं कि मुसलमान और आतंकवाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मुसलमान और आतंकवाद से जोड़ने का जो काम किया गया है वो काम यहूदियों ने और ईसाइयों ने किया है, ताकि मुसलमानों जितने भी मुस्लिम देश हैं, जिन जिन जगहों पर मुस्लिम देश बसे हुए हैं उसकी ज़मीन के नीचे अकूत जखीरे हैं, वहाँ पर इतने बड़े तेल के भंडार हैं, गैस के भंडार हैं, सोने चांदी के भंडार हैं कि उन भंडारों पर ही उनकी आंखें जाकर टिक जाती है। इसी जखीरे को लेकर के लड़ाई चल रही है दरअसल, और इसी जखीरे को पाने के लिए जंगें हो रही है और दुनिया में नाम किया जा रहा है आतंकवाद का, और उसके पीछे जो खेल चल रहा है हम उसको नहीं समझ पाते हैं। कहावत भी है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमने पहला पहलू को देखा लेकिन दूसरे पहलू को ना ही समझने की कोशिश किया, ना ही उसको जानने की कोशिश किया। जब तक हम इसको दूसरे पहलू को नहीं समझेंगे तब तक हम उनकी जो प्रोपेगेंडा है, उनके एजेंडा है, उनको नहीं समझ पाएंगे। और जब हम इनके एजेंडे को नहीं समझेंगे तब तक हम यही मानते रहेंगे कि मुसलमान ही इस देश में या इस दुनिया में आतंकवाद की जड़ है। तो मुसलमान इस दुनिया में आतंकवाद या जो विघटनकारी शक्तियाँ उसका जड़ नहीं है, उसकी जड़ों में ईसाई और यहूदियत है, कि उनका मूल एजेंडा हथियार बेचना और दुनिया के लोगों को लड़ाना है। और दुनिया की जो संपदा है, दुनिया की जो खजाने हैं, उस पर कब्जा करना है। धन्यवाद। जय हिंद।